तो एसी को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम सबको पता ही है कि वी हैव टू रेगुलरली चेंज आवर फिल्टर्स। एंड सेकेंड इज़ दिस एयर कंडीशनिंग यूनिट जो घर के बाहर लगी होती है, यू कैन सी दैट। सो अभी हम उसको क्लीन कर रहे हैं एंड इसको क्लीन करने के लिए यू नीड अ स्पेशल स्प्रे। आई विल शो यू द स्प्रे। तो अदर देन फिल्टर इसको भी क्लीन करना चाहिए हमें, मतलब 2 साल में एक बार, 2-3 साल में। ये होता क्या चीज़ है जो ये लगा हुआ है साइड पे? ये कॉइल है क्या? कॉइल क्या करती है? मतलब फिल्टर करती है, हवा को फिल्टर करती है। हाँ, एयर फिल्ट्रेशन है ना। इसको ऑफ करना है। ये फैन का स्विच है या उसको ऑफ कर देना या देखना डबल कॉइल लगी हुई है यहाँ पे भी और इधर भी। अच्छा। तो ये दोनों क्लीन करनी चाहिए। ये जो कॉइल है ना, हाँ, ये कॉइल को कूल रखता। अच्छा, ओके। जो इसकी जो फ्लोरोसेन है, जो आजकल गैस इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरो नहीं यूज करते, ये इसको यूज करते हैं। जो तेरा कैपेसिटर है ना, वो इस डब्बे के अंदर लगा हुआ है। इतना बड़ा पॉट होता है कैपेसिटर। ओके। वो तो जब तेरा फैन काम ना करे तब चेंज करना है। वो खुलेगा कहाँ से? वो यहीं से खुलेगा ना। ओके। एंड देयर इज 2 कॉइल्स, वन इज इनसाइड एंड आउटसाइड। दिस इज आउटसाइड, मेन वर्क इज आउटसाइड। ओह, इज इट? मेरे को लगा अंदर होता मेन वर्क। मेन वर्क इज इनसाइड। ओके, ओके। द अदर वन इज आल्सो मेंटेन्स, दैट इज हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग कॉइल्स। ओके। अंदर तो सिर्फ वी ओनली हैव टू चेंज द फिल्टर, राइट? अंदर राइट नाउ, यस। इसके चारों तरफ स्प्रे करना है। अंदर से करना है, बाहर अंदर से कर और बाहर से ऐसे करता रहना। अच्छा। तो इसको सीक्वेंशियली करना है। Coil cleaner cleans air conditioner, heat pumps, condenser and evaporator coils। ये बीच बीच में भी करना है। ये जो जगह बनी है कौन सी? ये, हाँ, कर लो यहाँ पे। ये उन्होंने डबल कॉइल लगाई हुई है, तो ओवर द टाइम ऐसा भी होता है, इसका वियर एंड टेयर होता है कि आपको कॉइल चेंज भी करना पड़े। वो तो 15 साल के बाद एसी एयर कंडीशन यूनिट खत्म हो जाती है, दोबारा लगा देते हैं। अच्छा। When you say यूनिट खत्म हो जाती है, ये वाला पीस या अंदर वाला पीस या दोनों? पूरा सिस्टम चेंज होगा। पूरा सिस्टम। दूसरा क्या ले पहले, मतलब हमने काइंड ऑफ सोप लगा दिया इस पे, उसके ये कॉइल भी काफी मोटी है, अंदर तो पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। ये ना सारी नजर आ रही, पहले नजर नहीं आ रही। बेसिकली हमने इस ऑयल को क्लीन किया है केमिकल सॉल्यूशन डाल के और उसको वॉश आउट कर दिया, ताकि जो उसके ऊपर मिट्टी जमी हुई है ऑयल्स के ऊपर वो निकल जाए, सारी मिट्टी निकल जाए और कंप्रेसर के ऊपर कम प्रेशर पड़े। द कंप्रेसर इज ट्राइंग टू कूल हाउस। ओके, आई डोंट नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। ये बात को रुक जाओ आगे सारे लगा।